हरियाणा के हिसार की अनाज मंडी में सरसों की आवक बढ़ रही है, जिससे सरसों के भाव में गिरावट आने लगी है। सरकारी खरीद से आढ़तियों का भाव अभी भी काफी अधिक है और हैफेड के हाथ खाली नजर आए हैं, क्योंकि हिसार मंडी में हैफेड ही सरसों फसल की सरकारी खरीद कर रहा है। किसी भी किसान ने सरकारी खरीद पर सरसों की नहीं बेची है। अनाज मंडी में आने वाले हर किसान ने आढ़तियों को ही अपनी फसल बेची है। फसल का भाव 5800 से लेकर 6200 रहा है। आढ़ती किसानों को अच्छा भाव देकर लुभा रहे हैं, इससे किसानों को फायदा होगा, मगर आम जन को तेल खरीदने के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। बता दें कि पिछले साल भी आढ़ती सरसों फसल का अच्छा भाव दे रहे थे। कुल मिलाकर इसका मतलब यह हुआ कि सरकार किसानों को सरसों के ज्यादा दाम नहीं दे पा रही है, जबकि आढ़ती उसी सरसों के सरकार से ज्यादा दाम देकर किसानों से माल खरीद ले रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार सरसों की खरीद नहीं करती है तो संकट पड़ने पर आयात पर निर्भरता और ज्यादा बढ़ जाएगी। सरकार को समय रहते सरसों का स्टॉक कर लेना चाहिए, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो सके और किसानों का मनोबल भी मजबूत रहे। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।